नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। अंकिता हत्याकांड व अन्य मामलों में बिना तथ्यों के अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अब जनपद पौड़ी पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अंकिता हत्याकांड मामले में SIT की ओर से निष्पक्षता से कार्य किया जा रहा है, साथ ही उनकी निगरानी में उच्चतम अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं इस प्रकरण में पौड़ी पुलिस द्वारा भी अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन तथाकथित कुछ ऐसे पोर्टल व सोशल मीडिया में बिना तथ्यों के खबरों को फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप से माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से आग्रह भी किया और कहा कि तथ्यों के साथ खबरें चलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा बिना तथ्यों के भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया गया है। SSP ने बताया कि पुलिस लगातार ऐसे पोर्टलों पर व लोगों पर नज़र बनाए हुई है जो बिना तथ्यों के आधार पर खबरों को प्रसारित कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुझे ये सिर्फ ये कहना है कि जो भी विवेचना हो रही है वो प्रॉपर एक SIT के माध्यम से हो रही है, तमाम एक्सपर्ट उसमें जुड़े हुए हैं और हाईएस्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ADG अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी चीजें बेल आइकन दबाएं। तो जब इस लेवल पे विवेचनाएं हो रही हैं, STF भी उसमें इन्वॉल्व हो रखी है, फॉरेंसिक्स की हमारी जो देहरादून की लैब है वो भी इन्वॉल्व है और जिला पुलिस पौड़ी भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के बिना किसी आधार के चलाई जा रही है। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर आप कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।